वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कराची का रुख करने लगे हैं और कराची से एक इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगी मैं इसको, बड़ी तश्वीशनाक किस्म की ये स्टोरी है। कराची में हुआ ये कि अरबों रुपए की पानी की चोरी पकड़ने वाले एक अफसर हैं। बड़े कम वैसे कोई ऐसे होता है कि कोई ईमानदार ऑफिसर हमारे सामने आता है जो करप्शन की बात करे, चोरी की या जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑनेस्टली उसको देखे और सुने। खैर, ये जो अफसर हैं इन्होंने फिर चोरी को पकड़ा पानी की जो है, और उस पर उनको ही मुअत्तल कर दिया गया। ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। मजकूरा जो अफसर हैं उनको संगीन नतायज की धमकियां दी जाती रहीं। वाटर कॉरपोरेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा अखलाक बेग ने चंद दिन पहले ही कराची की तारीख की सबसे बड़ी शुमार होने वाली पानी की इस चोरी को पकड़ा और उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, जिसकी मालियत जो है वो मैं आपको जो बता रही हूँ ये अरबों रुपये बताई जाती है। और मिर्जा अखलाक बेग ने अपने अमले के हमरा पीर को नाजिमाबाद में छापा मारा जहां मरकजी लाइंस के जरिए पानी चोरी किया जा रहा था और फिर हाइड्रेंट के जरिए उस पानी चोरी को जो होता था पानी उसको फिर फरोख्त किया जा रहा था। जबकि नाजिमाबाद की अगर बात की जाए 65 डेज से वहां पे पानी इस वक्त दस्तियाब नहीं आवाम को। जी हां, और इस मुकाम पर पानी भारी मिकदार में आ रहा था जिसको सब सॉइल का नाम दिया गया था और वाटर कॉर्पोरेशन में जो इंजीनियरिंग है और इस तरह का डिपार्टमेंट है, थ्रेफ्ट सेल भी है, उसकी मुकम्मल तौर पर सिस्टम के नरके में है, जिसकी वजह से खास तौर पर 3 माह से जिला वस्ती में शहरी पानी को तरस रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को कोई काबू में नहीं ला रहा था और जो वाटर कॉरपोरेशन का अफसरान के सिस्टम में रखना डालने की कोशिश कर रहे थे, इस अफसर को यह सिस्टम ओहदे से फारिग कर देता है। और जिस तरह आपने निमरा बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर या जो है या तो कोई डायरेक्टर काम करता नहीं है, जो काम करता है, जो चोरी पकड़ता है, जो अरबों की चोरी पकड़ता है, उसको हम फारिग कर देते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल कदीर, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। राना साहब, ये बताइएगा कि ये क्या माजरा है? आपने मिर्जा अखलाक बेग के साथ सलूक किया, एक ऐसा ऑफिसर जिसने करप्शन को पकड़ा और जिसने अरबों रुपए का पाकिस्तान का फायदा हुआ, उनको मुअत्तल क्यों किया गया, किन ग्राउंड्स में किया गया, ये बताइएगा। अच्छा, देखें, जो मिर्जा अखलाक बेग है ये वाटर बोर्ड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें तैनात है, 17 ग्रेड के ये अफसर हैं। अच्छा, इनका ये डोमेन नहीं है कि वो जो है हाइड्रेंट्स पे छापे मारे, तो वो एक अलग बात है कि इन्होंने एक चीज चोरी की निशानदेही की है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें वो गलत हो रहा है उसमें वो है। लेकिन जो MD वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन है उनका ये कहना है कि इन्होंने जो अपना उनका इदारा है कराची वाटर कॉरपोरेशन, उसके जो जाब्ते अखलाक है, उसके कवायद हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसका डोमेन नहीं है कि वो किसी हाइड्रेंट पर जाए और फिर वहां पर जाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है उसको वायरल करे, इसी चीज को जो है वो बुनियाद बनाकर इसको अफसर को जो है मौतल किया गया है। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया था मौतली का। और लेकिन कराची में जो है इसके अलावा भी सिर्फ ये एक, ये तो नाजाबाद में एक वो है सब सॉइल जिस हाइड्रेंट कहते हैं जिसको जी जी। और लेकिन इसके अंदर जो वीडियो में उन्होंने दिखाया है अखलाक मिर्जा साहब ने कि इसमें जो है कराची वाटर कॉरपोरेशन की जो है वो लाइन है उसका पानी भी शामिल है, ये वाकई में चोरी है। लेकिन दूसरी जानिब कराची में ये एक इस तरह का नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क इससे कबल भी जो है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और जो वाटर कॉरपोरेशन की एंटी थेफ्ट टीम है तो उनकी जानिब से जो है कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो नेटवर्क जो है पकड़े गए हैं। शकील बहर कुछ अर्सा कबल जो है वो पकड़े गए हैं, उन्होंने अपनी एक उसमें जो इंक्वायरी जब उनसे की गई तो उसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए थे, उसने अरबों रुपए के जो है कबूल किए थे प्रॉपर्टी जो है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, DHA गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या पानी की मतलब सेल करके, जो वो ये वो नेटवर्क था जो सनती एरिया है उनमें जो है पानी सप्लाई करता था कराची वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों से चोरी करके। इस तरह से बहुत सारी है, अभी भी कार्रवाइयां उस तरह जारी है जो पानी चोर होंगे। लेकिन माफिया जो है बहुत काफी हाइड्रेंट्स ऐसे हैं उनको बंद किया जाता है लेकिन जो है कुछ अरसे बाद फिर उसे खोल लिया जाता है। चलिए जी, अब्दुल कदीर आप हमारे साथ हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।